गाइस नमस्ते। तो आज मैं पूड़ी बना रही हूँ। ये देखिए गेहूँ के आटे हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपके फैमिली है उस हिसाब से आटा ले सकते हो। तो गाइस मैं इसमें ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे पूड़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो गाइस मैं हल्का सा नमक डालूँगी, ज़्यादा नमक नहीं डालना, नहीं तो पूड़ी अच्छा नहीं लगेगा। कि सब्जी छोले साथ खाओगे तो गाइस थोड़ा सा जीरा डालूंगी, यही जीरा डालूंगी। यही एक चीज़ है, बहुत टेस्टी बनती है पूरी। इससे हलवाई लोग भी यही डालते हैं जीरा। पूरी बहुत टेस्टी बनती है गाइस। देखिए गाइस इस तरह से मिला लूंगी अच्छे से, ताकि नमक और जीरा अच्छे से मिल जाए। पर घर पे ट्राई ज़रूर करना, ऐसे बहुत टेस्टी पूरी बनेगी। लगेगा कि खाली पूड़ी ही खा लो, खाली पूड़ी खाने का मन करेगा, बिल्कुल टेस्टी बनेगा। तो देखिए गाइस नमक जीरा और आटे को मिला लियो अच्छे से बिल्कुल। तो देखिए गाइस इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डालने से क्या होता है कि जो पूड़ी है हमारा थोड़ा खस्ता बनेगा, मुलायम बनेगा और खाने में बहुत टेस्टी टेस्टी लगेगा। इसको मिलाऊंगी इस तरह से। तो गाइस पूरी तो सबके घर में बनती है, अपने अपने तरीके से सभी बनाते हैं। पर ये जो मेरी चीज़ों का फॉलो करना, तो पूरी बहुत टेस्टी बनेगी। अब ये रूम टेम्परेचर पानी ली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी और एक सख्त डो बनाऊंगी। जो पूरी का सख्त डो होता है वो बनाऊंगी धीरे धीरे। तो देखिए गाइस इसमें एक सख्त आटा लगा ली, ज़्यादा सख्त नहीं। देखिए इस तरह से आपको आटा लगा लेना है। तो मैं इसमें हल्का सा ऊपर से तेल लगा दूंगी। देखिए देखिए आटा मुलायम रहे हल्का सा, ज़्यादा आपको नहीं। हलवाई क्या करते हैं जैसे तेल लगा देते हैं। तो देखिए गाइस आटा तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी, ताकि आटा मेल्ट हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद में पूड़ी बनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी जिसको गोल गोल पूड़ी अगर नहीं आती बनाने, तो कैसे गोल गोल पूड़ी बना सकते हो, देखिएगा आप। तो देखिए गाइस 10 मिनट हो गया, ये देखिए पूरा मेल्ट हो गया है आटा। ये देखिए अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। तो देखिए गाइस इस तरह से बना लूँगी, छोटे छोटे लोई काट लूँगी। ये देखिए इस तरह से, आप जितना बड़ा पूड़ी खाते हो उस हिसाब से काट लेना। देखिए इस तरह से, पेड़ा बना लूँगी छोटे छोटे। देखिए इस तरह से पेड़ा बना लूँगी। तो देखिए गाइस तेल में रख दी थी कढ़ाई में, तेल गर्म हो गया है। अब डाल के देखूँगी तेल गर्म हुआ कि नहीं। देखिए तेल गर्म हो गया है और इसमें पूड़ी डालूंगी। हल्का सा तेल लगा ली हूँ। इसको इस तरह से करूँगी। ये देखिए, गाइस कैसी गोल पूड़ी बनी है। अगर आपको आपसे गोल पूड़ी नहीं होगा तो आप इस तरह से बेल के बेलन से। तो देखिए गाइस अगर गोल पूड़ी ना हो तो इसको इस तरह ऐसा गिलास ले लेना, काटने वाला, इस तरह से काट लेना। देखिए कितना प्यारा और गोल 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 पूड़ी बनेगा। इसी तरह से आप सारा बना लेना, नहीं तो आप बेलन से भी करके बना सकते हो। तो देखिए गाइस तेल गरम हो गया है, देखिए ऊपर आ गया ही है। तो तेल गरम हो गया है और मैं इसमें पूड़ी डालूंगी। कढ़ाई तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए एक ही पूड़ी आएगा अभी। तो ये ऊपर आ जाएगा तो एक और डाल दूंगी। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी पूड़ी बनी है, गोल गोल, कितने फूले फूले हैं। जो ट्रिक मैं बोली हूँ वो ट्रिक फॉलो करना तो बहुत अच्छी पूड़ी बनेगी। उसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर और इस तरह से सारी पूड़ी बना लूँगी। देखिए गाइस कैसी बनी है, फूले फूले पूड़ी बिल्कुल। तो देखिए गाइस कैसी गोल गोल पूड़ी बनी है। ये देखिए, बहुत टेस्टी बनती है गाइस। देखिए ये देखिए लड़क कचौड़ी बनी हुई है,
तो गिलास से काटेगा तो ऐसा बनेगा, और बेल के बनाई हूँ ये देखिए, इसको बेल के भी फूली फूली बनी है, देखिए कितना मुलायम है और क्रिस्पी भी लगेगा, ये देखिए सारा फूला फूला बना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। बाय गाइस, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर छोले की वीडियो, छोले की रेसिपी चेक करनी है तो चैनल पे चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।